हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पर हम वैलिडेशन कैसे दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये ओपन हो चुका है पेज और ये हम डिजाइन व्यू में हैं। तो यहां पर आईडी आ रही है, तो यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें लिखना है, ठीक है, या किसी बच्चे की ये आईडी हो सकती है, ठीक है, जो भी हो। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहां पे मैं दे देता हूं, यहां पे तो यहां पे बर्थ सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया और यहां पर मैं टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेता हूं, ठीक है। और यहां डीओबी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम डेटा टाइप दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें वैलिडेशन देना है। तो कैसे वैलिडेशन दें हम, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा आप, कर्सर को यहां रखिएगा और यहां पर आइएगा वैलिडेशन रूल पर। तो यहां पर आपको देना क्या है, यहां पे देना है ये वैलिडेशन डेट जो है, करंट डेट बताता है डेट फार्मूला, ठीक है। और जो करंट डेट है उससे कम हमें, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट हमें उससे मोर देन नहीं चाहिए, ठीक है, यानी उससे लेस देन ही चाहिए, ठीक है, जो करंट डेट है। तो इस वजह से यहां पे मैंने ये फॉर्मेट रखा हुआ है, ठीक है। और अब हमको करना है यहां पे क्लिक, एक काम करते हैं, यहां पर हम ये वैलिडेशन रूल है, यहां पे वैलिडेशन टेक्स्ट में दे देते हैं, डेट should not more than current date, okay। तो ये हमने validation लगा दिया इस पे। अब हमें simply यहाँ पे click करना है और यहाँ से yes करना है, ठीक है। तो अब यहाँ date of birth का जो certificate number है वो आ जाएगा, जैसे suppose कीजिए कोई भी date of birth का एक certificate number यहाँ आ गया। अब यहाँ पे date of birth, ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे आज का डेट जो है 2020 है, अभी हम क्या करेंगे 28 फरवरी 2020 सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट किया हमने, यहां पे क्या मैसेज आया, डेट शुड नॉट मोर देन करंट डेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहां पर हमें डेट चेंज करना होगा तब ये हमें आगे लिखने देगा। तो यहां 7 फरवरी जैसे ही किया तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब यहां पे अलग जो है सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर ये अलग आ गया। और यहां पर डेट हम चूज करते हैं पीछे की, यानी पहले की डेट चूज करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। यहां पे मैंने चूज करा और यहां पे 2019 की जगह मैं लगाऊंगा 1998, ओके। अब देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये एक्सेप्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ करंट डेट जैसे कि हमारे सिस्टम में दिख रहा है ये 20 फरवरी 2020, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। और भी तरीके हैं वैलिडेशन लगाने के, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।